राम राम साहब खमागणी सा दोस्तों, सहत पांडे और दिग्विजय फैंस के लिए काफी खुशखबरी है। जी हां, बिग बॉस का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आ गया है और दिग्विजय और चाहत पांडे ने अविनाश और विवेक डिसेना को पछाड़ लिया है। जी हां, दिग्विजय राठी बात करें तो शुरुआत में बात करें तो आगे थे चाहत पांडे नंबर दो पे थी, लेकिन धीरे धीरे आते आते चाहत पांडे नंबर बात करें तो सिक्स और पांच पर आती हुई नजर आ रही थी। और बात करें तो अविनाश मिश्रा भी उनसे आगे जा रहे थे और इसके साथ ही दिग्विजय राठी भी विवेक डिसेना से पिछड़ रही थी। लेकिन अब क्या वोटिंग ट्रेंड कह रहा है? जी हां, जो वोटिंग ट्रेंड अब आ रहा है दिग्विजय राठी, दिग्विजय राठी एक नंबर पर आ गए हैं और काफी भारी मात्रा में उनको वोट मिले हैं और उनके लिए ट्रेंड भी सलाह है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इसकी वजह से दिग्विजय राठी नंबर वन पर आ गए हैं और अगला नंबर दो पर है विवेन डिसेना। जी हां, विवेन डिसेना नंबर दो पर है। कुछ लोग करणवीर मेहरा को दो पर कह रहे हैं, एक पर कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विवेन डिसेना नंबर दो पर है। अब दोस्तों नंबर तीन पर आते हैं करणवीर मेहरा। जी हां, करणवीर मेहरा नंबर तीन पर है। नंबर चार पर आ गई है हमारी प्यारी चाहत पांडे। जी हां, पांडे जी आ गई है नंबर चार पर और चाहत पांडे पहले छह नंबर पर और पांच नंबर पर चल रही थी वोटिंग के मामले में, लेकिन अभी की बात करें तो अभी चाहत पांडे काफी अच्छा बात करें तो मार्जिन से ऊपर आई है और चाहत पांडे चार नंबर पर आई है। नंबर पांच पर आए हैं अविनाश मिश्रा, नंबर सिक्स पर आई है कशिश कपूर, नंबर सेवन पर एलिस कौशिक। जी हां दोस्तों, ये बात करें तो वोटिंग ट्रेंड था एक दो तीन चार पांच से सात, ये सात लोग नॉमिनेट है। सात लोगों का मैंने बता दिया है। कशिश और एलिस कौशिक अभी भी बॉटम टू में हैं और अविनाश और कशिश में भी काफी भारी टक्कर हमें देखने को मिल रही है। इनके वोटों में लगभग बात करें तो 5% का फर्क है। पहले सहत और कशिश के बीच में 5% का फर्क है, लेकिन अभी बात करें तो अविनाश और कशिश में 5% का फर्क है और अविनाश से ज्यादा 5% चाहत पांडे को वोट मिल रहे हैं। तो ये था भाई आंकड़ा। और विवेन डिसेना और दिग्विजय राठी के बीच में भी 5% का अभी फर्क हो गया है। पहले बात करें तो 2% से दिग्विजय राठी विवेन से कम चल रहे थे, अभी विवेन डिसेना से बात करें तो दिग्विजय राठी 5% ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हमें दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है एलिस कौशिक दोस्तों हाउसमेट के वोटों के आधार पर इविक्ट हो गई है, लेकिन मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था लेकिन अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है। और बात करें तो इस बार टाइम गॉड के हाथ में बड़ा पावर आने वाला है। टाइम गॉड डायरेक्ट किसी को इविक्ट कर सकता है। जी हां, इतना बड़ा पावर आएगा टाइम ऑफ गॉड के पास। अब टाइम ऑफ गॉड के पास कब पावर आएगा, अभी आता है या आने वाले वीक में आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन भाई बात करें तो इस वीक में टाइम गॉड के लिए कंटेस्टेंट आपको पता है ईसा सिंह है, करणवीर मेहरा है, इसके साथ अविनाश मिश्रा है और दिग्विजय राठी और बग्गा जी हैं। और बग्गा जी तो मुझे नहीं पता भाई आगे तक जाएंगे, लेकिन भाई करणवीर मेहरा को विवेन डिसेना ने पहले ही बात करें तो पूल के अंदर फेंक दिया है। जी हां, नरेंद्रवीर मेहरा का दोस्तों एटीट्यूड तो तोड़ लिया है विमल डिसेना ने। अब देखते हैं भाई अगला टाइम गॉड कौन बनता है, अविनाश या ईसा में से बच गए तो भाई एलिस तो बच जाएगी, लेकिन कशिश और चाहत और बात करें तो आ जाएगा काफी उन पर दोस्तों लोड, क्योंकि ईसा यदि टाइम कार्ड बनी या अविनाश टाइम कार्ड बना तो ये दोनों ही पहले बात करें तो यदि अविनाश बन जाता है तो भाई एलिस को बचा देगा, तो भाई कशिश और चाहत दोनों में से जिसके वोट लास्ट में कम होंगे उनको भाई बात करें तो निकल जाएंगे। यदि बात करें तो बचाने वाला नहीं हुआ तो भाई एलिस को सिक्स सीधी सीधी घर जाती हुई नजर आ रही है। बाकी इसमें आप किसे वोट एंड सपोर्ट करें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, हर हर महादेव।